गाइस थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजॉलॉजी। और बिल्कुल ऐसे ही प्रोफेशनल तरीके से आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही लोगो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल एकदम 3 से 4 मिनट के अंदर ऐसे ही प्रोफेशनल लोगो आप लोग बना सकते हो, वो भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस से। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं, चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह मैं देता रहता हूँ आप सभी लोगों को, बहुत ही मदद इससे मिलने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना देरी के आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा इसको बनाने के लिए, और ये आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप लोग सर्च करके भी ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। अब दोस्तों पिक्सआर्ट को ओपन करना है आपको। दोस्तों पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। मानिए यहाँ से मैं कोई भी बैकग्राउंड लेता हूँ, क्योंकि मेरे फोटो के पीछे मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो यहाँ से मैं सिंपली एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक शेप लेना है यहाँ से, तो ड्रॉ में जाके आपको एक जो राउंड शेप होता है उसको यहां पे ले लेना है। तो यहां से मैं एक राउंड शेप को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको फिल कर देना है आपको। और कलर यहां से आप व्हाइट भी ले सकते हो, कोई भी कलर आप चाहो, जिसको भी चाहो आप लोग यूज कर सकते हो। तो मैं यहां से सिंपली एक कलर ले लेता हूं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक राउंड वाला शेप यहां से ले लिया। गौर से देखिए दोस्तों, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इस राउंड शेप को ले लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपकाना है। अब फोटो कैसे चिपकाना है, यहाँ पे आके आपको नीचे साइड में स्क्रॉल करते हुए ऐड फोटो वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से सिंपली मैं दोस्तों इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे गाइस इस फोटो को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको कटआउट में चले जाना है, क्योंकि इसको काट के निकाल लेना है। पीछे के बैकग्राउंड जो है ये सारे अननोन है, इसको नहीं चाहिए दोस्तों, अनवांटेड है। तो यहाँ से मैं सिंपली इसको मार्किंग कर देता हूं और इसको काट के बाहर निकल लेता हूं। तो मैं थोड़ा प्रीव्यू में भी देख लेता हूं, बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला फोटो हमने अच्छी तरीके से काट लिया। अब शेप में आपको चले जाना है दोस्तों। अब शेप में चले जाने के बाद इसको बड़ा करके आपको यहां पर बिठा देना है। कलर वगैरह आपको थोड़ा फेड दिख रहा होगा, तो कलर टोनिंग आप लोग कर सकते हो। मैं यहां पर आके टेम्परेचर को थोड़ा यहां से घटा देता हूं, और जो ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट है आप लोग बड़ा घटा सकते हो दोस्तों। यहां पर कॉन्ट्रास्ट इसको भी मैं थोड़ा हाई कर देता हूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैंने कलर वगैरह इसका ठीक कर लिया। अब टोन अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे ऊपर में इरेजर दिख रहा होगा, इरेजर में आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ से आपको इसको पूरा रिमूव कर देना है। नीचे वाला जो पोर्शन है जो राउंड शेप के बाहर आता है, इसको आपको पूरा रिमूव कर देना है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसको पूरा रिमूव कर दिया। अब जो जो पोर्शन यहाँ से बाहर ज़्यादा रिमूव हो चुका है, तो इसको आपको रिस्टोर कर लेना है। तो रिस्टोर वाले ऑप्शन में जाना है और सिंपली धीरे से यहाँ से आपको रिस्टोर कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से मैं पूरा इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। और गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, मैंने यहाँ पे पूरे राउंड शेप में इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फिल्टर में आपको चले जाना है दोस्तों। जाने के बाद यहाँ से आप लोग HDR में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो HDR में जाने के बाद इसका जो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, मेरे को HDR अच्छा नहीं लगता। अभी क्या करना है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा अलग सा कुछ चीज दिखाता हूँ। मैजिक वाले ऑप्शन में आपको जाना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट क्या चीज है आपको दिखाता हूँ। नीचे स्क्रोल करते हो आप लोगों को इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंदर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैजिक वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसको स्क्रोल करते हुए आप लोगों को बहुत ही सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सोल पे चले जाना है। सोल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कलर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा आपको घटा देना है दोस्तों। जैसे कि कुछ कार्टून टाइप का देखने के लिए लगे, तो आप लोग देख सकते हो अच्छा लग रहा है अभी दिखने में, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद दोस्तों इसको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको इफेक्ट्स में जाना है, क्योंकि ये अभी कार्टून टाइप का लग रहा है, तो इसमें और भी कुछ टेक्सचर हमें डालना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आपको स्केच वाले ऑप्शन में चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहले ही जो आता है स्केच वाला ऑप्शन, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आप लोग देख सकते हो एक बैकग्राउंड आ चुका है, इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल सेव कर दिया। कलर इसको दोस्तों आपको ब्लैक रखना है, और
और रखने के बाद यहाँ पे आपको फेड वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा हाइलाइटिंग कलर भी आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कॉर्नर भी अच्छे खासे ब्लैक नजर आ रहा है। तो अभी आपको कुछ प्रोफेशनल टाइप का देखने के लिए लग रहा है दोस्तों ये वाला लोगो। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इसमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद अभी भी कुछ यहाँ पे कमियां नजर आपको आ रहा होगा, आ रहा है ना, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना वो क्या कमियां। तो चलिए गाइस नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप लोगों को नीचे स्क्रोल करना है, ड्रॉ पे फिर से चले जाना है। जाने के बाद ड्रॉ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे शेप में चले जाना है और यहाँ से एक शेप को आपको ले लेना है। मैं ब्लैक वाला ही लूंगा क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा, तो यहाँ से एक सिंपली मैं ब्लैक कलर का शेप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस ये वाला जो शेप है इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वाले शेप को मैंने अच्छी तरीके से सेव कर लिया, लेकिन दोस्तों मेरे जो हेयर्स है उसके ऊपर ये वाला शेप चला गया, तो इसको अभी आपको मिटाना है, इरेजर पे जाना है। इरेजर पे जाने के बाद थोड़ा जूम करके जो हेयर के ऊपर जो जो भी यहाँ पे ब्लैक जो शेप आया है इस कलर को आपको रिमूव कर देना है अच्छी तरीके से। अगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग अच्छी तरीके से रिमूव कर देना, क्योंकि किसी को पता भी ना चले कि ऐसे काम किया गया है इसके ऊपर। अब दोस्तों आप लोग गौर से देख सकते हो कुछ अलग सा टाइप का देखने के लिए लग रहा है, आपका जो प्रोफेशनल लोगो है एकदम तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी डाल देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं मानिए मेरा जो चैनल का नाम है टेक्नोजॉयलॉजी, तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर। तो गाइज आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही तरीके से आपको अपना जो चैनल का लोगो है बना लेना है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बनने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ऊपर शेप में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल 3 से 4 मिनट के अंदर आप भी बना सकते हो अपने चैनल का लोगो। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप भी बना सकते हो, आपको कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस से ही बना सकते हो मेरी तरह ऐसे ही लोगो दोस्तों। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, मन में कोई भी सवाल हो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूं, आपको बहुत ही सारे हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमें फॉलो करना ना भूलिए, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों कॉमेंट करके। मिलते हैं दोस्तों और एक लेटेस्ट वीडियो में ऐसे ही और एक लेटेस्ट टॉपिक को लेकर। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।